गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप लोग ग्रेट होंगे एंड सेफ होंगे। सो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो बेसिकली आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ विंटर पैम्पर रूटीन। आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो। बेसिकली आज के दिन मैं बहुत ज़्यादा डाउन बहुत ज़्यादा लेज़ी डाउन फील कर रही थी, तो मैंने डिसाइड किया कि एक अच्छी सी वीडियो शूट करी जाए आप लोगों के लिए। सो यहाँ पे आज मैं अपने बालों को शैम्पू करूँगी। तो आज अपने बालों को अच्छे से शैम्पू करने से पहले अच्छी तरीके से कोम कर लीजिए, जो कि काफ़ी अच्छा होता है आपके हेड वॉश पे, एंड काफ़ी इजीली हेड वॉश हो जाता है एंड काफ़ी अच्छा भी लगता है। सो मेरा बर्थडे नज़दीक आ रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी एंड डाउन फील कर रही थी कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो इस वजह से मैं काफ़ी, मतलब मुझे शावर लेना बेसिकली काफ़ी पसंद है, एंड मतलब मुझे पर्सनली भी ज़्यादा पसंद है शावर लेना, एंड हॉट शावर लेना मुझे ज़्यादा पसंद है, एंड चिल शावर भी लेना मुझे ज़्यादा पसंद है। तो आज मैंने हॉट शावर लिया है एज अ लेंथ पे भी, अपने बालों पे भी, क्योंकि बेसिकली मैं कभी भी गर्म पानी नहीं यूज़ करती हूँ, हमेशा ठंडा पानी यूज़ करती हूँ। सो आज मैंने अपने बालों पे नॉर्मली थोड़ा कोजी वाटर यूज़ किया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। जो अगर मेरा कभी बहुत ज़्यादा लेज़ी मूड होता है या फिर मेरा बहुत ज़्यादा डाउन मूड होता है, तो मैं जाके नहा लेती हूँ, उससे मुझे बहुत रिलैक्स, मतलब बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलती है एंड मुझे काफ़ी अच्छा भी फील होता है। मतलब मैं रोज़ नहाती हूँ, और कभी कभी मेरा इतना मूड ख़राब होता है तो मैं रात को भी नहा लेती हूँ। मुझे नहाना पर्सनली मुझे ज़्यादा पसंद है एंड हॉट शावर लेना और ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैंने अपने बालों को शैम्पू किया है, जो कि काफ़ी, अभी मैंने रिसेंटली अपना शैम्पू चेंज किया है, लॉरियल का शैम्पू किया है। सेम कंडीशनर में यूज़ करूँगी अपने बालों पर, क्योंकि काफ़ी अच्छा होता है आपके बालों के लिए कंडीशनर, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड ये मेरी फर्स्ट वीडियो होने वाली है मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ अगर कोई गलती हो या फिर कुछ और हो तो मुझे बता दीजिएगा, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। सो यहाँ पे मैं अपने बालों में कंडीशनर यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा, मतलब वॉशरूम में पूरे में कोजी हो गया था, तो आप देख सकते हो ये पूरा ना एकदम धुएं से पूरा कवर हो गया मेरा कैमरा भी। तो यहाँ पर शावर कैप लगा ली है, यहाँ पे मैं लूफा यूज़ कर रही हूँ मेरे पास। तो यहाँ पे मैं अपने बॉडी पे अच्छे से बबल बना के अपने बॉडी पे लूफा यूज़ करूँगी, एंड अपने हैंड्स पे, अपने नेक्स पे, ऑल ओवर बॉडी पे, जो कि काफ़ी डेड स्किन निकाल देता है एंड वॉश आउट। फिर उसके बाद मैं अपनी बॉडी पे स्क्रब करूँगी। पर्सनली बॉडी स्क्रब करने के बाद आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्मूथ एंड काफ़ी अच्छी हो जाती है, काफ़ी अच्छी लगती है, आपको खुद को भी आपकी बॉडी अच्छी लगती है। तो ये मैं वीकली करती हूँ, या फिर बीच में भी कई बार मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे स्क्रब करना अपनी बॉडी पे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं बीच बीच में करती रहती हूँ, तो मुझे काफ़ी पसंद है ये स्क्रब। फिर काफ़ी टाइम हो गया था, मेरे बालों को अच्छे से स्टीम भी मिल गई होगी क्योंकि मैं गर्म शावर ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना शावर कैप हटाने के बाद अपने बाल वॉश कर लिए, एंड सीरियसली ये वाला मैंने शैम्पू लॉरियल का, मैं बीच में बहुत ज़्यादा शैम्पू चेंज करने लग गई थी। वैसे मैं रेगुलर जो मैं यूज़ करती थी वो मैं सिर्फ लॉरियल का ही शैम्पू यूज़ करती थी, अदरवाइज और कोई शैम्पू यूज़ नहीं करती थी। मेरा शावर कंप्लीट हो गया है, आई एम डन एंड सो हैप्पी। कितना अच्छा, कितना रिलैक्सिंग फील होता है सीरियसली नहाने के बाद। फिर उसके बाद मैंने अपने बाल डन किए, एंड बीच में बहुत ज़्यादा, मतलब दवाई शवाई खाई थी मैंने नहाने के बाद ही। फिर उसके बाद मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ गई, तो मैंने अपना स्किन केयर जो किया था वो रात को किया था। तो ये दिन का टाइम हो रहा है जब मैं अपना शावर लिया था, एंड यहाँ पे मैं अपनी क्रीम लगा रही हूँ। सो अभी बेसिकली रात के 8 बज रहे हैं जब मैं अपना स्किन केयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरी बहुत सारी मेडिसिंस वगैरह चल रही हैं, एंड तो काफ़ी ज़्यादा लेज़ी फील होता है बीच में, बेसिकली डाउन फील होता है आपको, मतलब कुछ करने का दिल नहीं करता है। बट यहाँ पे मैंने अपना स्किन केयर कम्प्लीट करना था, तो मैंने फटाफट से उठ के अपना फेस वॉश किया। फर्स्टली ये मैं फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा फेस वॉश है। सबके, अगर आपको इन सब के लिंक्स चाहिए होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो काफ़ी टाइम हो गया मैंने अपने फेस को शेप नहीं किया, तो यहाँ पे कोई सी भी नॉर्मली एलोवेरा जेल ले लीजिए, कोई सा भी ले लीजिए, एंड उसको अपने फेस पे
अच्छे से अप्लाई करने के बाद अपनी फेशियल रेजर से आप अपने फेस पे अच्छे से जो भी डर्ट है वो निकल जाएगा। सीरियसली स्किन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और अच्छी हो जाती है। मेरी स्किन पे बहुत ज़्यादा हेयर नहीं आते हैं सो इस वजह से मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाती है। बट पर्सनली मुझे ये रेज़र यूज़ करना ना काफ़ी पसंद है, फेशियल रेज़र सॉरी। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ शीट मास्क, उसके बाद जो मुझे ज़ुकाम आते हैं। सीरियसली मुझे ठंड ज़्यादा बर्दाश्त नहीं है लेकिन मुझे ठंड बहुत पसंद है, पर्सनली आई लव दिस। फिर इसका जो बचा कुचा होता है अपने नेक्स पे, अपने हैंड्स पे, ऑल ओवर जहाँ पे भी आपका पोर्शन है खाली वहाँ पे आप लगा लीजिए। एंड उसके बाद आप अपने फेस पे थोड़ा सा रब कीजिए। सीरियसली उसके बाद आपकी स्किन काफ़ी फ्लोइंग, काफ़ी क्यूट सी हो जाती है। एंड ये मैंने मंगाया था ब्लिंकिट से, एंड मैंने ट्रायल के लिए मंगवाए थे इसके सीरम्स जो कि काफ़ी अच्छा है। तो इस पर से मैंने कभी भी कोई सा ट्राई नहीं किया है, बट एज अ ट्रायल के लिए मैंने मंगवाया था जो कि मुझे ये वाला काफ़ी बेस्ट लगा। इसका नाम मुझे याद नहीं है सो मैं यहाँ पे नीचे मेंशन कर दूँगी। तो अब मैं अमेज़ॉन से इसका बड़ा साइज़ मंगवाने वाली हूँ जो कि काफ़ी अच्छा है। सो यहाँ पे अपना नाइट स्किन केयर करते हैं, मॉइस्चराइज़र लगाते हैं। लॉरियल का मॉइस्चराइज़र लगाया मैंने, ये मॉइस्चराइज़र काफ़ी पसंद है। थोड़ा सा नॉर्मली आप घर पे भी हो आप नॉर्मली सनस्क्रीन लगाना ना भूलें। मैं अपने फेस पे हमेशा सनस्क्रीन लगाती हूँ तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल सनस्क्रीन यूज़ किया है। लास्टली लिप बाम लगाएंगे। सीरियसली जैसे जैसे मेरा स्किन केयर ख़त्म हो रहा है मेरे फेस पे अलग से स्माइल आ रही है, आई एम सो हैप्पी। मैं सोने जा रही थी तो मैंने अंडर आई क्रीम भी लगा ली जो कि काफ़ी अच्छा है, मैं जस्ट सोने के बाद ही लगाती हूँ। उसके बाद अपने बालों को अच्छे से कोम करके डन, आपका हो गया ऑल ओवर। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए।